दिस इज मनीषा, वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी मैं जा रही हूँ, मेरे घर के सबसे नज़दीक मार्केट है पालम, वहाँ पे विंटर कलेक्शन आए होंगे तो शॉपिंग करने जा रही हूँ। दिवाली के बाद से मैं शॉपिंग करने नहीं गई, घर के नज़दीक जाती हूँ छोटे मोटे से काम करने, लेकिन यहाँ जाने में 10 मिनट लगते हैं तो मैं जाऊँगी रिक्शा से। अच्छा, जैसे ही मैंने फ़ोन निकाला वीडियो बनाने के लिए तो मेरे साथ बैठी हुई थी, उन्होंने बताना शुरू किया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा छीना झपटी होती है, तो आप अपने फ़ोन को पर्स में रख लो, नहीं तो हाथ से छीन के भाग जाते हैं। कल परसों भी ऐसी घटना हुई है। वो लोग प्लान करके आते हैं, थोड़ी दूर पे उनका कोई दोस्त बाइक लेके खड़ा होता है और जैसे ही छीना झपटी का काम हो जाता है ये लोग फरार हो जाते हैं। ये सब सुन के मुझे थोड़ा सा डर लगा, लेकिन मैं घर से सोच के निकली थी कि आप लोगों के लिए वीडियो बना के लाऊंगी, तो अपना ध्यान रखते हुए मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, आइए दिखाती हूँ आपको और आप भी मेरे साथ शॉपिंग कीजिए। चलिए देखना शुरू करते हैं कि क्या सब नया आया है मार्केट में। यहाँ सभी तरह के कपड़े मिल जाते हैं, अंदर की तरफ शॉप है तो उसमें ब्रांडेड कपड़े मिल जाएंगे। अगर हम रिजनेबल रेट पे और डेली वेयर कपड़े लेना चाहते हैं तो वो भी आसानी से मिल जाता है। यहाँ पे मिल रहे हैं ढेर सारे पर्स अलग अलग डिज़ाइन में, यहाँ पे मिल रहे हैं हेयर एसेसरीज, इसका कोई फिक्स रेट नहीं है, अलग अलग तरह के हेयर बैंड है, क्लचर है, रबर बैंड है, टियारा है, गजरा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जस्ट इसके बगल में ज्वेलरी मिल रही है। नए नए विंटर कलेक्शन से मार्केट भरे पड़े हैं। यहाँ लॉन्ग में कार्डिगन है, पुलोवर है, नाइट सूट, जैकेट, पोंचो, स्वेट शर्ट, शॉल, स्टॉल, ब्लैंकेट वगैरह भी हैं जो आगे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जितने भी आइटम लगे हैं तो सबका रेट अलग अलग है, कोई फिक्स नहीं है। अंदाजे से बताऊँ आपको तो 100 रुपीज़ से शुरू हो के और 1500 तक का यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ लोअर जो कि उलन में है, लेकिन नीचे से प्रिंट बने हुए हैं, ऊपर से प्लेन है, लग रहा है कि कॉटन कपड़े पे जैसे प्रिंट बना होता है।
इसे गर्म कुर्तियों के साथ पहन के बाहर भी जा सकते हैं। अगर घर में भी पहनना चाहें तो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। इसमें बहुत सारे कलर्स और डिज़ाइन हैं, तो हम मिक्स एंड मैच करके ले सकते हैं। यहाँ पे हैं बहुत सारे सॉक्स, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए टोपियाँ भी हैं। ये पतले वाले ब्लैंकेट है जिसे हम चादर की तरह भी ओढ़ लेते हैं, और इसके जस्ट पीछे इनकी शॉप है। ये लोग बाहर की तरफ थोड़ा सा सामान रखते हैं, जब पसंद आता है तो हम उसी में से ले लेते हैं, अगर नहीं पसंद आए तो फिर अंदर की तरफ शॉप है तो उसमें जाके भी ख़रीदारी कर सकते हैं। शाम के टाइम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, भीड़ भी बढ़ जाती है। अभी तक तो मैंने सिर्फ दो सामान ही लिया है, देख रही हूँ कि और क्या सब मिलता है। सभी शॉप में विंटर कलेक्शन के साथ साथ पार्टी वियर भी लगा के रखा है, क्योंकि अभी वेडिंग सीजन चल रहा है, जब लोग देखेंगे तो ज़रूर ख़रीदारी करेंगे। और यहाँ पे गर्म बेडशीट, पिलो कवर, ब्लैंकेट, बहुत सारे आइटम भरे पड़े हैं। अभी तो और बहुत कुछ देखने के लिए बाकी है, थोड़ा बहुत ही दिखाया मैंने आप लोगों को, लेकिन मैं वापस जा रही हूँ घर। 8 बज गए हैं, जाते जाते मुझे 8:30 बज जाएंगे, क्योंकि अभी खाने के लिए कुछ पैक करवा लेती हूँ, उसमें भी टाइम लगेगा। यहाँ के समोसे बहुत फेमस है, तो मैं समोसे और ब्रेड वगैरह लेके जाऊँगी। कैसे हैं समोसे? 12 4 दे दो। ₹100 का सेल है यहाँ पे, लेकिन मुझे कपड़े अच्छे नहीं लगे इसलिए नहीं रुकी। टी शर्ट है, लोअर है, स्वेट शर्ट है, हुडीज है, जैकेट है, सिंपल वाले शर्ट भी हैं। यहाँ पे एक स्टॉल लगा रखा है जिसमें बहुत सारी टोपियाँ हैं, मफलर है, स्कार्फ है, मोज़े हैं, और ना जाने क्या सब। वापस जा रही हूँ घर, इस रास्ते मुझे जो सब मिल रहा है अगर कुछ पसंद आया तो फिर ले लूँगी। और ये एक नई शॉप खुली है शायद, इसमें सिर्फ लहंगे हैं, पहले तो मैंने नहीं देखा था। चलिए अब घर चल के मिलती हूँ आप लोगों से, थक गई हूँ, लेट भी हो गया है। खाने के लिए मैंने ले लिया, उसकी टेंशन नहीं है, बनाना नहीं पड़ेगा। कल घर वापस आने में बहुत लेट हो गया, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई कि क्या सब लेके आई हूँ। आज सुबह मैंने सारे कपड़ों को वॉश कर दिया। कहीं से भी कपड़े लेके आती हूँ तो मेरा सबसे पहला काम रहता है कि कपड़ों को वॉश करना। अभी सारे कपड़े सूख चुके हैं तो एक एक करके मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। बहुत कुछ खास लेके नहीं आई हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिला, थोड़ी बहुत वीडियो शूट की है मैंने आप लोगों के लिए, और उसके बाद जो टाइम मिला उसमें शॉपिंग करी। शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है तो देख के लेना पड़ता है।
ये लिया मैंने अपने लिए एक स्वेटर, बहुत खास नहीं है लेकिन मुझे सिंपल में अच्छा लगा। पुलोवर है राउंड नेक में और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसके बाद मैंने दो गर्म कुर्तियाँ ली हैं। मैं तो एक ही लेने गई थी लेकिन भैया इतना ज़्यादा ज़िद करने लगे कि दो ले लो, फिर मुझे लेना पड़ा। ये स्वेटर नहीं है लेकिन गर्म कपड़े में है, वाइट और ग्रे कलर से प्रिंट बना हुआ है इसमें। और इसके साथ ही मैंने एक स्टॉल भी लिया ऊपर से डालने के लिए। एक साथ का दोनों नहीं है, दोनों अलग अलग लेना पड़ा, इस तरह से है। ग्रे और ब्लैक में दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। ये वाला सेट मैंने अपने मन से लिया क्योंकि मुझे एक वीडियो बनानी है। अब दिखाती हूँ कि भैया ने ज़बरदस्ती करके भी एक दे दिया। और ये है रेड कलर में, इसके ऊपर प्रिंट नहीं है, वर्क है। पूरी कुर्ती रेड कलर में है और यहाँ पे गोल्डन से वर्क बना हुआ है, काफ़ी गर्म है। ये तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है लेकिन मैंने आगे के लिए लेके रख लिया। तो दो कुर्तियाँ, एक स्वेटर, एक स्टॉल और दो लोअर लिया है मैंने अपने लिए। सिंपल सा लोअर है लाइट पिंक कलर में, वेलवेट के कपड़े आते हैं उसी में से है और ये भी काफ़ी सॉफ्ट है। एक लिया है ब्लू कलर में, ये दोनों काफ़ी गर्म है और सबसे अच्छा मुझे लगा कि सॉफ्ट बहुत ज़्यादा है, डेली यूज़ करने में अच्छा होता है। तो रख देती हूँ, कुछ दिनों के बाद जब ठंड ज़्यादा बढ़ेगी तभी निकालूँगी। ये है दो स्वेटशर्ट जो मैंने अपने हस्बैंड जी के लिए लिया है, एक एक करके दिखाती हूँ। इसका कलर बहुत प्यारा है, बैक में एक ही कलर है और फ्रंट में ब्लू और लेवेंडर कलर का कॉम्बिनेशन है, बहुत प्यारा लग रहा है। दूसरा है ब्लू कलर में, फ्रंट से ब्लू के साथ ग्रे कलर का थोड़ा सा डिजाइन बना हुआ है इस तरह से। दोनों काफ़ी गर्म हैं। ये थे सर्दियों के कुछ कपड़े जो मैं कल लेके आई थी। और बहुत कुछ लेना था लेकिन इतना लेने में ही मुझे काफ़ी लेट हो गया कल, फिर मैं वापस आ गई क्योंकि पहले मैं वीडियो बनाने लगी उसके बाद मैंने कपड़े लेने शुरू किए, फिर बीच में टाइम निकाल के मैं जाऊँगी क्योंकि एक से दो महीने ही ठंड पड़ती है, उसमें बहुत ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।